आया कैसे चलेगा? हेलो मेरे पीछे वहाँ आया था, किसी आ गया, फिर किसी आएगा? ये कंप्यूटर खोल ही नहीं पा रहे हो। कंप्यूटर का कैमरा भी कहाँ है गुरुजी आपका? कैमरा भी तो नहीं है। तो आप ये इनके देखे साहब को पोस्ट किया है? आवाज आ गई, हम दिखाई पड़ रहे हैं। हेलो, कोई आवाज नहीं आ रही है। हेलो, सब यहाँ गड़बड़े हैं साला। आज गड़बड़ नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है? हमारी आवाज आ रही है, लेकिन आपकी आवाज हमको नहीं आ रही है। नहीं, हम जो कान में लगाए हैं उसमें आवाज नहीं आ रही है आपकी। खाली मैसेज आ रहा, सर पड़ा, मुझे सुन भी रहे हैं, आवाज भी आ रही, पता नहीं क्या क्या। अच्छा, हम आपको नहीं सुन पाएंगे। अच्छा ठीक है, तो शुरू हो जाएं अभी। शुरू हो जाएं। चलिए रुकिए, रुको यार, इस पीछे पकड़ेंगे यार, बड़ा झंझट वाला काम है। इसे तो ना इसको लेक्चर हो पाएगा और ना कुछ हो पाएगा। बेकार वाली बात। फोन तो कोई वेरिफिकेशन कोड आया था? अब पता नहीं वेरिफिकेशन कोड आया कि आया, ये पता नहीं किसका आ गया। हेलो, थैंक यू बोल रहा है। वेरिफिकेशन कोड आएगा, बचपन वाले भी देखिए। कोई वेरिफिकेशन कोड नहीं आया है। कहाँ गया? 94153565 94153565 झंझट वाला कुल काम है। अरे यार, 94153565
पानी ले आते हैं यार। नहीं पता नहीं किसका आ रहा है, कहाँ वेरिफिकेशन कोड आया है। ये है क्या? इसे पकड़े रहना पड़ेगा। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी के आदेशानुसार मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। देश के विख्यात राजनीतिज्ञ प्रोफेसर संजीव शर्मा जी ने मुझे आदेश दिया था कि मैं बनारस में बैठ करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पवित्र धरती से पंडित मदन मोहन मालवीय के राजनीतिक विचारों पर अपने विचार व्यक्त साझा आपसे करूं। तो सबसे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कर लीजिए। नमस्कार करना जरूरी इसलिए है कि बिना नमस्कार किए आप लोग नाराज हो जाते हैं, इसलिए हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। यह कठिन विषय महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने मुझे दिया है। देश में पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम खूब चलता है। विभिन्न राजनीतिक दल पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम को चर्चा में चलाते रहते हैं, उनके कृतित्व व्यक्तित्व पर अपनी बात रखते रहते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिलेबस में भी, एमए पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पंडित मदन मोहन मालवीय का कोर्स रखा गया है। हम पंडित मदन मोहन मालवीय को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जन्मदाता, उसके निर्माणकर्ता के तौर पर ही मानते हैं, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माणकर्ता के अतिरिक्त भी बहुत कुछ हैं। उन्हें समझना बहुत जरूरी है। हम पंडित मदन मोहन मालवीय को पढ़ते हैं, उनकी पुस्तकों का, उनके लेखों का, उनके शोध पत्रों का, उन पर लिखे विद्वानों के किताबों को मात्र पढ़ लेते हैं, उनके विचारों को जान लेते हैं, हिंदू विश्वविद्यालय के रचना काल के इतिहासों को समझ लेते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पंडित मदन मोहन मालवीय को हम जी पाते हैं? हम पंडित मदन मोहन मालवीय को कितना जीते हैं? हम पंडित मदन मोहन मालवीय को कितना देख पाते हैं? हम पंडित मदन मोहन मालवीय के विचारों को कितना समझ पाते हैं? यह सवाल उनके राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है। उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, न त्वम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, काम है दुख तपता नाम प्राणी मार्त नाशनम। ये दो लाइन का मंत्र है, दो लाइन का श्लोक है। पंडित मदन मोहन मालवीय के पूरे राजनीतिक चिंतन का निहितार्थ इन दो लाइन में छिपा हुआ है। हमने आज तक इसकी व्याख्या नहीं की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 100 सालों के इतिहास में इस संस्कृत के इस दो मंत्रों की व्याख्या ही नहीं हुई। यह दुखद है। पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ काम करने वाले अनेक लोग रहे होंगे। गांधी ने भी काम किया था, नेहरू ने भी काम किया था, तिलक उनको जानते थे,
अरविंद उनको पहचानते थे, सावरकर उनको अच्छी तरह समझते थे, अंबेडकर उनको जानते थे। एक विशाल राजनीतिक विज्ञान आधुनिक राजनीतिक चिंतकों की परंपरा के चिंतक पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ जुड़े रहे, यह महत्वपूर्ण पक्ष है। और इन सारे चिंतकों की परंपरा से पीछे हटके, अलग हट करके पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपने को स्थापित करने का काम किया। विचारकों के उस झंझावात तूफान में अगर आप देखेंगे तो पंडित मदन मोहन मालवीय अकेले एक बट वृक्ष की तरह खड़े हैं, और उस बट वृक्ष के नीचे आधुनिक भारत के 1946 के पहले तक के समस्त चिंतक उस वृक्ष के नीचे छांव पा रहे हैं, साया पा रहे हैं, शरण पा रहे हैं। इस बात को समझने का प्रयास किसी ने नहीं किया। हम पंडित मदन मोहन मालवीय को प्लेटो से तुलना कर लेंगे, हम पंडित मदन मोहन मालवीय को अरस्तु से तुलना कर लेंगे, हम पंडित मदन मोहन को हाफ्सलाक रूसो से तुलना कर लेंगे, हम पंडित मदन मोहन मालवीय में मार्क्सवाद खोजने लगेंगे, हम पंडित मदन मोहन मालवीय के विचारों में उपयोगितावाद खोजने लगेंगे, हम पंडित मदन मोहन मालवीय के विचारों में उदारवाद खोजने लगेंगे, हम पंडित मदन मोहन मालवीय के विचारों में उग्रवाद भी खोजने लगेंगे। तो आखिर में पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं क्या, यह समझने की जरूरत है। 1861 में उनका जन्म हुआ, 1946 में उनकी मृत्यु हुई। 1861 से 1946 के कालखंड का अध्ययन करिए, कितना कठिन कालखंड है। 1861 में उनका जन्म किस परिस्थिति में हुआ? भारत गुलाम था, भारत पराधीन था, भारत पतित था, भारत निकृष्ट था, भारत के लोग सुसुप्त थे, भारत के लोगों को अपनी अंतः चेतना की स्वीकृति नहीं थी। वे जानते ही नहीं थे कि हमारी अंतः चेतना कहां है। जो राष्ट्र का, जिस राष्ट्र का नागरिक अपनी अंतः चेतना को भूल जाता है वह राष्ट्र मृत हो जाता है, ऐसा यह मानना बहुत जरूरी है। 1861 के बाद 1881 में पंडित मदन मोहन मालवीय 20 साल के हुए ना। ये काल जो है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद का काल है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसमें भारती पराजित हुए, दबा दिए गए। उसकी गूंज 19वीं-20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक बनी रही। उस काल में पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म होता है, एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है। उनकी माता एक गरीब गृहिणी थी, उनके पिता कथावाचक थे। कथावाचक आप समझते होंगे कि भगवत गीता का कथा करके उससे जो धन प्राप्त होता था, उस धन प्राप्ति को के आधार पर वे अपने परिवार का संचालन करते थे। कुल मिला जुला करके, ये हम उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि में नहीं आना चाहते, कुल मिला जुला के मेरा ये कहना ये है कि पंडित मदन मोहन मालवीय का बाल्यकाल अभाव में बीता। मैं मानता हूं कि जितने भी देश में महापुरुष हुए नेहरू को छोड़ के, वे सभी के सभी अभावों के ग्रस्त परिवार में ही जन्म लिए। मतलब भारत में रचनाशीलता, भारत में स्वतंत्रता की चाह, भारत में समता की चाह आदि अभाव से ही जन्म होते हैं, यह एक पहला निहितार्थ उनके जीवन पद्धति से निकला। पंडित मदन मोहन मालवीय के ही काल में विवेक नरेंद्रनाथ दत्त भी हुए। नरेंद्रनाथ दत्त काशी आए, काशी से में उन्होंने अपनी साधना की। काशी की साधना में, अरे आवाज आ रहा है कि नहीं पता नहीं,
पूछें कि आवाज आ रही है कि नहीं, हम बोल ही रहे हैं। गुरुजी सही है। अरे हम आवाज आए तो हम बोलेंगे क्या यार? आवाज आ रही है? अरे यार हमको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलिए आवाज आ रही है, बहुत अच्छा। नरेंद्र नाथ दत्त काशी में आए, उन्होंने अपनी साधना की और यहां से जब लौटे वो तो शिकागो में जा करके वो विवेकानंद हो गए। काशी में आने के बाद पंडित नरेंद्र नाथ दत्त इलाहाबाद गए। उसी समय इलाहाबाद में कुंभ मेला चल रहा था। बंगाल के एक संत की कुटी में नरेंद्रनाथ दत्त ने अपना आवास बनाया, अपने को वहीं रखा। पंडित मदन मोहन मालवीय उस समय हिंदुस्तान अखबार के की पत्रकारिता कर रहे थे। वे कुंभ मेला में घूम रहे थे। पंडित मदन मोहन मालवीय को कुंभ जैसी भारतीय संस्कृतियों पर अथाह श्रद्धा थी। वो भारत की सांस्कृतिक विरासत को अपने हृदय में अंतस्थल में रख करके जीने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने देखा कि बंगाल के एक संत के कुटीर में एक नवयुवक, गोरा चिट्ठा नवयुवक, बलिष्ठ नवयुवक बैठा साधना कर रहा है। वे उसके पास गए। उन्होंने पूछा उनसे, नरेंद्रनाथ दत्त से, कि तुम कौन हो? नरेंद्रनाथ ने कहा कि मेरा नाम नरेंद्र है, मैं बंगाल से आया हूं। नरेंद्र ने कहा कि यहां क्या कर रहे हो तुम? अच्छे आदमी हो, जाओ पढ़ो लिखो, काम करो। उन्होंने कहा कि पढ़ने लिखने का पाखंड मैं नहीं करता, मैं तो सत्य की खोज में निकला हूं और सत्य को खोज के ही रहूंगा। उनकी इस वाक्य से पंडित मदन मोहन मालवीय आकर्षित हुए, उनका हृदय झकझोर गया, क्योंकि वो भी सत्य को जानते थे। ये उनकी मुलाकात क्षणिक हुई। उसके बाद पंडित मदन नरेंद्रनाथ दत्त शिकागो गए, वहां से लौटे, बंगाल आए, रामकृष्ण परम पीठ की स्थापना की, इत्यादि इत्यादि, अलग इतिहास है। लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रौढ़ावस्था तक जाते जाते नरेंद्रनाथ दत्त यानी विवेकानंद जी दुनिया में भारत का पताका ऊंचा कर चुके थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि विवेकानंद की उस समय की चतुर्दिक ख्याति का असर भी पंडित मदन मोहन मालवीय पर पड़ा। उनके विचारों को अगर गंभीरता से देखा जाएगा तो उसमें विवेकानंद की सुगंध भी आएगी। विवेकानंद का सुगंध का मतलब यह है कि विवेकानंद अद्वैत वेदांत के सबसे बड़े पंडित थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत का दिग्दर्शन किया था। अगर महामना को भी आप उनके विचारों को देखें तो उन्होंने कृष्ण के अद्वैत को, भगवत गीता के अद्वैत को, भगवत गीता के दर्शन में अद्वैत का दर्शन किया। तो हम बहुत कम लोग जानते हैं कि विवेकानंद और पंडित मदन मोहन मालवीय का जो आंतरिक अन्योन्याश्रित संबंध है वह अद्भुत है। और जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की नींव में विवेकानंद के विचारों को भी सम्मिलित करने का काम किया। उन्होंने कभी विवेकानंद का नाम लिया नहीं, क्योंकि जिसकी श्रद्धा होती है उसका नाम नहीं लिया जाता। यह एक प्राचीन भारतीय परंपरा थी। उस परंपरा का पालन मालवीय जी कर रहे थे। हम पंडित मदन मोहन मालवीय और विवेकानंद के संबंधों की व्याख्या नहीं कर रहे, हम ये सिर्फ बताना चाहते हैं कि मालवीय जी के विचारों पर किन किन लोगों के विचार का प्रभाव पड़ा या उनका विचार किन किन आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों से जुड़ने का काम किया। गांधी का उद्भव उस समय बहुत नहीं हुआ था। 1916 के आसपास गांधी उस ऊंचाई पर नहीं थे जिस ऊंचाई पर वो अंतिम दिन तक बने रहे।
उस समय तिलक का आविर्भाव मराठा में महाराष्ट्र में था। पंडित मदन मोहन मालवी और बाल गंगाधर तिलक के संबंध अन्योन्याश्रित थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि स्वतंत्रता के बिना भारत में स्वदेशी का भाव नहीं जगाया जा सकता, स्वतंत्रता के बगैर भारत में स्वदेशी का भाव आगे नहीं बढ़ सकता। दोनों में संबंध है। अरविंद ने कहा कि हम परम सत्ता को मानते हैं। परम सत्ता कोई दुनिया में ऐसी चीज है जो सृष्टि का संचालन करती है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने माना कि हम परम सत्ता के अधीन हैं और हमारा धर्म, हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारी पहचान परम सत्ता के अधीन है। यह परम सत्ता राजनीतिक सत्ता से ऊपर की चीज है। आज आप देखिए, पूरी दुनिया कोरोना की महामारी में त्राही त्राही कर रहा है। विज्ञान असफल है, बड़ी बड़ी महाशक्तियां असफल हैं, है ना। लोगों ने अपने चरित्र, अपने व्यवहार को बदलना दुनिया में शुरू कर दिया था, कर दिया है। लोगों को यह पता चला है कि चमगादड़ खाने से कोरोना आया, कुत्ता बिल्ली खाने से जो कोरोना आया, तो हमको खान पान में संयम रखना चाहिए। आखिर में राजसत्ता असफल है और राजसत्ता जब असफल होती है तो दुख में तप्त मानव परम सत्ता की ओर देखता है, उससे आकांक्षा करता है त्राण के लिए, और आज वही स्थिति है। पंडित मदन मोहन मालवीय का कहना है कि हमारी परम सत्ता पर हमें जीवन के प्रारंभिक क्षण से विश्वास करना चाहिए। हम भौतिकवादी सत्ता का सुख भले ले लें, लेकिन परम सत्ता को हमें स्वीकार करते हुए उसके साथ सामंजस्य बना करके चलना चाहिए। यह सामंजस्य शब्द, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम कामय राज्यम, उन्होंने कहा कि मेरा तो परम सत्ता के साथ साक्षात्कार है, इसलिए न तुम कामय राज्यम, मुझे राज्य की इच्छा नहीं है। न तुम कामय राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है, मुझे पुनः आने की, पुनर्जन्म की भी कामना नहीं है। न त्वम कामय राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामय दुख ताप्ता नाम। जीवन के प्रत्येक क्षण में दुखों से तप्त मानवों को त्राण देने के लिए, सुखी करने के लिए ही मैंने यहां जन्म लिया है। इतना बड़ा उद्घोष स्वतंत्र भारत में किसी राजनीतिक चिंतन ने नहीं किया। न त्वम कामय राज्यम, अरे आप सोचिए कि किसी को स्वर्ग मिले तो कैसे छोड़ देगा, किसी को महत्वाकांक्षा की पूर्ति का आश्रय मिले तो कैसे छोड़ देगा, किसी को कहा जाए कि अगले जन्म में आपको स्टार बनाएंगे, फिल्म स्टार बनाएंगे तो कैसे छोड़ देगा, हम कहें जल्दी मारो स्टार बनाओ। स्वार्थवादी दुनिया, स्वार्थवादी मंतव्य, ये मानव शरीर का एक लक्षण है। लेकिन इस स्वार्थवादी मंतव्य का, इस स्वार्थवादी मनोभाव का, इस स्वार्थवादी मनोगत परिप्रेक्ष्य का पंडित मदन मोहन मालवीय ने प्रतिकार किया, और पूरा का पूरा उनका राजनीतिक चिंतन स्वार्थ से मुक्त, संकीर्णता से मुक्त, जन कल्याण और मानव कल्याण को समर्पित हो गया। यह बड़ी बात है। वे वैश्विक हैं, उनका विचार चिंतन सिर्फ भारत के लिए नहीं है, उनका विचार चिंतन संपूर्ण मानवता के लिए है। वह संपूर्ण मानवता के दुख से तप्त संपूर्ण मानवता को त्राण देने की बात करने का, साहस करने का काम पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। अब पंडित मदन मोहन मालवीय के व्यक्तित्व, कृतित्व, व्यवहार, जीवन पद्धति से भारत की राजनीति, भारत का समाज, भारत का धर्म, भारत की शिक्षा, भारत का संस्कार और भारत का व्यवहार प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया।
इसलिए गांधी जी ने कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। मालवीय जी को कहा गांधी जी ने कि आप मेरे बड़े भाई हैं। गांधी जी को भी अपना अहंकार त्याग करके मालवीय जी के चरणों में आना पड़ा। मालवीय जी समाज के जो दुर्व्यवस्था थी उस समय की, उससे दुखी थे। वे एक सामाजिक सुधारक भी हैं, वे राजनीतिक चिंतक तो है, सामाजिक सुधारक भी हैं। उनकी राजनीति समाज के सुधार के आधार पर खड़ी होती है। बिना समाज सुधारक के भारत में कोई राजनीतिक चिंतक नहीं बना। केवल राजनीति की बात करने वाला भारत में अमान्य है। समाज सर्वप्रथम है, राजनीति बाद में है। पश्चिम में क्या है, राज्य सर्वप्रथम है, समाज बाद में है। आप मैकियावेली देख लीजिए, आप प्लेटो देख लीजिए, आप अरस्तु देख लीजिए, आप हब्सलक रूसे में देख लिए। अगर पंडित मदन मोहन मालवीय के सामाजिक सुधारों की बात करें तो वो हाप्स के लिव्याथन जैसा नहीं हो सकते, वे हीगल की तरह हो सकते हैं, वे कांट की तरह हो सकते हैं। उन्होंने कांट ने परम सत्ता के तत्व को माना, हीगल ने परम सत्ता की निरंकुशता की बात की। मालवीय जी को हीगल और कांट के नजदीक रख के देखा जा सकता है, लेकिन वो मार्क्स नहीं है, वो रूसो भी नहीं है। उन्होंने परम सत्ता को रचनात्मक दृष्टि के आधार पर देखा और उनकी परम सत्ता जन कल्याणकारी है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने पत्रकार भी थे, अभ्युदय नामक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया, हिंदुस्तान के संपादक थे, पत्रकारिता उनके मूल में था। वे कानूनविद भी थे, वकील भी थे, अच्छे वकील थे, बहुत बड़े वकील थे। सावरकर को जब जेल में जाना पड़ा तो पंडित मदन मोहन मालवीय एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सावरकर के लिए मुकदमा लड़ने की बात की। तिलक को जब जेल जाना पड़ा, मोहन मालवीय ने वकालत के रूप में उनको बचाने की बात की। ये बात बहुत साफ है, वो वकील भी थे, लेखक भी थे, उनकी हैंडराइटिंग, उनका लिखा हुआ विचार सब कुछ भारतीयता से अवेष्टित था। वे पूर्ण रूप से चिंतन में आगे बढ़ता है। सनातनता क्या है? सनातनता यह है कि भारतीय भारत 5000 वर्ष का यह देश है, यह देश कैसे चलता रहा? अगर भारत में चिंतन न होता, अगर भारत में ज्ञान विज्ञान न होता, अगर भारत में मेधा शक्ति न होती, तो 5000 सालों से सतत और सातत्य रूप से भारत का विकास कैसे होता? विज्ञान था तभी तो भारत का सातत्य विकास हुआ। रोग भी होते होंगे, व्याधि भी होती होगी, भूख भी लगती होगी, शिक्षा की भी आवश्यकता थी, रोजगार की भी आवश्यकता थी, व्यक्तित्व निर्माण की भी आवश्यकता थी। इन सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषियों ने, हमारे चिंतनकर्ताओं ने तमाम ग्रंथों की रचना की और उसमें उसके संकेत दिए। कभी था कि हम उनके मंत्रों की व्याख्या करने में पीछे नहीं हटते थे। 21वीं शताब्दी में हम उनके मंत्रों को की व्याख्या करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। ये बात बहुत साफ है। इसलिए पंडित मदन मोहन मालवीय के राजनीतिक चिंतन पर कुछ किताबें जरूर लिखी गई हैं। मुकुट बिहारी लाल की किताब है, उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय पर अच्छी किताब लिखी। जे एस मिश्रा की किताब है, पंडित मदन मोहन मालवीय का राष्ट्र निर्माण में निर्माण जैसी किताबें ऑक्सफोर्ड से छपी है। लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय के राजनीतिक चिंतन को उनके पत्रों के माध्यम से या उनके लेखनी के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। उनको खुद समझना पड़ेगा और उनको समझने के लिए, उनके राजनीतिक चिंतन को समझने के लिए आपको पंडित मदन मोहन मालवीय जैसा धैर्य और पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे चिंतन को सोचने की आवश्यकता है। उनका पूरा राजनीतिक चिंतन पौराणिक चिंतन से आविष्ट था।
वे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक के को स्वीकार करते थे, स्वीकृति देते थे। उन्होंने कहा, कौटिल्य ने कहा कि अलब्ध लाभार्थी, लब्ध परिरक्षणी, रक्षित विवर्धनी, वृद्धे चतुर्थे प्रतिपादनी। मालवी जी ने कहा कि हम अपने चिंतन के माध्यम से अप्राप्त को प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त को संरक्षित करना चाहते हैं, संरक्षित की वृद्धि करना चाहते हैं, अवृद्धि को विकास में बांटना चाहते हैं। राष्ट्र निर्माण का मतलब सिर्फ यह है कि राष्ट्र को जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, जिनके कारण से निर्माण हो सकता है, उनको हमें प्राप्त करना है, हमें उसको संरक्षित करना है, हमको उसको बढ़ाते जाना है, और समराष्ट्र के सभी नागरिकों में समानता के आधार पर उसका बंटवारा करना है, समता के आधार पर। समता के आधार पर बंटवारा का मतलब समानता की स्वीकारोक्ति। पंडित मदन मोहन मालवीय को जो लोग रूढ़िवादी कहते हैं, जो लोग पोंगापंथी कहते हैं, वह न रूढ़ी को समझ पाते हैं, न पोंगापन को समझ पाते हैं। रूढ़िवादी शब्द नहीं होता, यह गढ़ा हुआ शब्द है उन लोगों का जो पंडित मदन मोहन मालवीय के चिंतन धारा से आधुनिक भारत में ईर्ष्या करते हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, रूढ़ी, हमारा परिवार क्या रूढ़ी है, हमारे माता पिता रिश्ता क्या रूढ़ी है, हमारी दादा दादी का संस्कार क्या रूढ़ी है, हम देवता के अधिष्ठानों को आगे लेके चलते हैं क्या रूढ़ी है, ये रूढ़ी है, ये संस्कार है। संस्कार और रूढ़ में अंतर को समझना चाहिए, आधुनिक भारत के युवाओं को संस्कार और रूढ़ में अंतर को समझाना बहुत जरूरी है। शिक्षण में इसको बचाना बहुत जरूरी है। पंडित मदन मोहन मालवीय के राजनीतिक चिंतन को हम उस तरह के राजनीतिक चिंतन के आधार पर नहीं देख सकते जिसके आधार पर हम अहाब्स को समझते हैं, जिनके आधार पर हम रूसो को समझते हैं, जिनके आधार पर हम कांट लॉक को समझते हैं, मतलब पश्चिमी राजनीतिक चिंतकों के आधार पर हम मदन मोहन मालवीय के राजनीतिक चिंतन की व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि वहां राज्य से शुरू होता है। मालवीय जी व्यक्ति और समाज, वहां राज्य की सर्वोच्चता है, महामना की राजनीति में व्यक्ति की सर्वोच्चता है। व्यक्ति की सर्वोच्चता का मतलब यह है कि व्यक्ति ही राष्ट्र का निर्माण या राज्य का निर्माण करते हैं, और यह व्यक्ति अराजकता से त्रस्त होकर के राज्य का निर्माण नहीं करता। हाब्स क्या कहता है कि मनुष्य समाज बड़ा पापी है, पातकी है, अपनी माता की हत्या को भूल जाता है, तो स्वार्थी बहुत अधिक है, और उस स्वार्थ से निपटने के लिए मात्स्य न्याय होता है, झगड़ा होता है, आपसी संघर्ष होता है, और सामाजिक समझौते के अंतर्गत राज्य का निर्माण होता है। मालवीय जी के लिए यह सब तो बकवास है, यूटोपिया है। व्यक्ति प्रारंभ से ही पवित्र होता है, वह समाज की क्रिया प्रतिक्रियाओं में भटक जाता है। अगर उसकी पवित्रता को संरक्षित करके, जोड़ करके व्यक्ति के व्यक्तित्व को गढ़ा जाए, तो वो जीवन के अंतिम समय तक भी पवित्र रहेगा। इस पवित्रता को बनाए रखना चाहते हैं, तो मालवीय जी ने व्यक्ति को पवित्र माना, उसके व्यवहार और चरित्र को भी पवित्र माना, और इसीलिए उनके लिए समाज में कोई अछूत नहीं है, उनके लिए समाज में कोई विभेद नहीं है, उनके लिए समाज में कोई विखंडन नहीं है। उनका समाज, मालवीय जी का समाज, एक व्यापक सृष्टि का एक भाग है। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना पुत्र स्वीकार किया। वे ब्राह्मण थे, कट्टर ब्राह्मण थे, सनातनी ब्राह्मण थे, वैष्णव ब्राह्मण थे, और उस समय का समाज छुआछूत के अंधविश्वास से गुथा हुआ था। मालवीय जी ने कहा कि अंबेडकर मेरा बेटा है,
और बेटे जैसा प्यार स्नेह और सम्मान भी दिया। और अंबेडकर भी महामना का, ब्राह्मण महामना का सम्मान उसी तरह करते थे जिस तरह से एक बेटा अपने पिता का सम्मान करता है, यह कम लोग जानते। इसका उदाहरण आप पूछ सकते हैं कि इसका उदाहरण क्या है। जब कम्युनल अवार्ड के समय पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट कम्युनल अवार्ड के समय में गांधी नाराज हुए, अंबेडकर से विभेद हुआ और यरवाडा जेल में गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए और उन्होंने घोषणा की कि हम मर जाएंगे लेकिन इसको स्वीकार नहीं करेंगे। अंबेडकर भी जिद में आ गए कि गांधी भले ही मर जाए, गांधी भले ही समाप्त हो जाए, हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे, हमको दलितों का प्रतिनिधित्व चाहिए, हम जितना चाहते हैं उतना चाहिए। कम्युनल अवार्ड आप जानते हैं, उसको पढ़िएगा, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भी आ जाए। संकट की स्थिति थी, सभी घबराहट थी, कांग्रेस की कांग्रेस में का नेतृत्व गांधी के हाथ में था, लोगों को डरने के लिए कहीं गांधी का ये लीला न समाप्त हो जाए, लोग मालवीय जी के पास गए। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसे स्वीकार किया, वो भी गांधी से स्नेह करते थे और गांधी के स्नेह करते के कारण पंडित मदन मोहन मालवीय अंबेडकर के पास गए। उन्होंने अनुनय विनय किया, अपने बेटे से अनुनय विनय किया जिसको पुत्र मानते थे, और कहा कि दो कदम पीछे हटो, मालवीय जी के गांधी जी के जीवन को बचाना बहुत जरूरी है, तुम नहीं हटोगे तो गांधी जी का जीवन समाप्त हो जाएगा। वो जिद्दी हैं और जिद्द के आधार पर मानेंगे नहीं, उपवास तोड़ेंगे नहीं। अंबेडकर भी जिद्दी थे, उन्होंने थोड़ा अपना रूप दिखाया होगा, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी के जीवन को बचाने के लिए अपनी पगड़ी अंबेडकर के चरण में रखने का प्रयास किया। यह इंसिडेंट, यह ऐतिहासिक घटना भारत के उन लोगों के लिए सबक है जो ब्राह्मण दलित और जातियों में बांट करके समाज को बांटने का काम करते हैं। आप पगड़ी का मतलब आप समझिए, पगड़ी का मतलब सम्मान। हमारे यहां कहावत है पगड़ी उछल गई, पगड़ी रख दिया, पगड़ी बिगड़ गई, पगड़ी खराब हो गई, ये कहावत है। पगड़ी मतलब सम्मान। मालवीय जी अपना सम्मान, अपना गौरव अपने लिए नहीं रखा, गांधी के जीवन को बचाने के लिए अपने सम्मान की कुर्बानी देने को तैयार हो गए। इसी को हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। अब आप इसमें खोजेंगे कि इसमें राजनीतिक चिंतन क्या है। इसमें राजनीतिक चिंतन यह है कि भारत में अछूत जैसी समस्या समाज में प्राकृतिक नहीं है, ये समाज युगानुकूल है, देश काल और पात्र के कारण भारत में भिन गई, जिसको आज हम ढो भी रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने समाज के अछूतों को, समाज के दलितों को व्यापक हिंदू समाज का एक पार्ट माना, हिस्सा माना, इसलिए काशी में उन्होंने दलितों उद्धार का कार्यक्रम चलाए, दलितों का उद्धार करने का कार्यक्रम, उनको शिक्षित करने का कार्यक्रम, उनको सशक्त करने का कार्यक्रम, उनको भारत के हिंदू समाज में सम्मिलित करने का कार्यक्रम, उनको बिखराव की बात ना महसूस हो सके। मैं मानता हूं कि अगर पंडित मदन मोहन मालवीय का योगदान भारत में शैक्षणिक क्रांति के लिए हुआ है तो पंडित मदन मोहन मालवीय का यह भी योगदान कम नहीं है कि उन्होंने गांधी के जीवन को बचाने के लिए पूना पैक्ट को अंजाम देने का काम कराया। अगर पंडित मदन मोहन मालवीय न होते तो 1930 31 32 में ही गांधी का नेतृत्व भारत को न मिलता। इसलिए पंडित मदन मोहन मालवीय एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन के स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व के भाव को स्वीकार करते थे। उन्होंने स्वतंत्रता को स्वीकार किया, उन्होंने समानता को स्वीकार की, उन्होंने भ्रातृत्व भाव को स्थापित करने की बात की। गांधी ने अहिंसा की बात की, मालवीय जी ने भी अहिंसा की बात नहीं की। सामाजिक परिवर्तन से राजनीतिक क्रांति का आगाज करने वाले, अहिंसक क्रांति का आगाज करने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय का चरित्र था। पंडित मदन मोहन
मोहन मालवीय के राजनीतिक चिंतन में धर्म का प्रमुख स्थान है। धारयति ते धर्म, धर्म क्या है? धारण करना। धर्म क्या है? कर्तव्य है। धर्म क्या है? जीवन चलाने की कला है। धर्म क्या है? खान पान पद्धति है। यह धर्म है। धर्म पाखंड नहीं है, धर्म विज्ञान है। धर्म से अध्यात्म निकलता है, जिसको अधि आत्मा कहते हैं। आत्मा को अंदर से स्वीकार करना आध्यात्मिकता है। पंडित मनमोहन मालवीय ने कभी भी इस बात का संकोच नहीं किया कि उन्होंने राजनीति में धर्म को प्रतिस्थापित करने की बात की। वो सेकुलर जैसे पाखंड शब्द से परे थे। उनका दर्शन, उनका चिंतन राष्ट्र का संयम था। उनका विचार संयम सात्विक विचार था। वे सदाचार, सत्श्रद्धा और सत्संग को राजनीति से जोड़ने का काम करते थे। राजनीति में उनके धार्मिक विचारों का प्रतिफल यह था कि उन्होंने प्राण मात्र के शुभ की कामना की। अशुभ की कामना नहीं की, शुभ की कामना की। शुभ की कामना का क्या मतलब? हमारा जो समाज है, जैसे हम बहुत सुंदर हैं, तो दूसरा जो सुंदर होगा वो चाहेगा कि इन्हीं सुंदरता नष्ट कैसे हो जाए, मैं ही अकेला सुंदर हूं। कोई पूंजीपति होगा तो दूसरे पूंजीपति को चाहेगा कि वो नष्ट हो जाए, मैं अकेला पूंजीपति रहूं। कोई एक अकादमिक जगत में बहुत विद्वान होगा तो दूसरा विद्वान चाहेगा कि उसको कुछ हो जाए, उसकी विद्वत्ता समाप्त हो जाए, मैं ही अकेले रहूं। मतलब मैं, मालवीय जी ने कहा हम, मैं नहीं हम। प्राणी मात्र का शुभ, सभी का सुख, चींटी का सुख, वृक्ष का सुख शुभ, नदी का शुभ, आकाश पाताल का शुभ, दुनिया के हर व्यक्ति का शुभ की आकांक्षा करना ही पंडित मदन मोहन मालवीय का धर्म है। उसमें तुष्टीकरण जैसी बात नहीं है। हम कोरोना जैसे महामारी में तबलीगी जमात जैसे शब्दों का उपयोग करके हिंदू मुसलमान के बीच में सांप्रदायिक एक सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगाड़ सकते। जो लोग कोरोना की इस महामारी के जिम्मेदार हैं, वो राष्ट्र के विरोधी हैं। इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। भारत में हिंदू और मुसलमान भारत माता के बेटे हैं, उनमें कोई विभेद नहीं है। वे कट्टरपंथी नहीं है। हिंदू भी भारत का शुभाकांक्षा चाहता है, मुसलमान भी भारत का शुभाकांक्षा चाहता है, सिख भी भारत का शुभाकांक्षा चाहता है, ईसाई भी भारत का शुभाकांक्षा चाहता है। मतलब भारत एक गुलदस्ते के अंदर रखा हुआ फूल है। भारत एक गुलदस्ता है जिसके भीतर विभिन्न प्रकार के फूल रखे हैं, और जब विभिन्नता फूल की होती है तो सौंदर्य बढ़ता है। पंडित मदन मोहन मालवीय के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैसे धर्मों के प्रति नकारात्मक भाव नहीं था। उसके गुणों को वो स्वीकार करते थे। उन्होंने मुसलमानों से स्पष्टवादिता के साथ कहा कि उनको हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। हिंदुओं से कहा कि उनको इस्लाम धर्म के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, और उन्होंने मुसलमानों से अपेक्षा की कि उनका भारत भूमि उनकी जन्मभूमि है, और उस जन्मभूमि को जन्मभूमि की तरह स्वीकार करना बहुत जरूरी है, तभी स्वतंत्रता हमें मिल सकती है। इसीलिए सी एफ एंड्रूज ने बहुत अच्छी टिप्पणी की। उन्होंने अपनी पुस्तक मालवीय के सपनों के भारत में कहा कि वर्तमान शताब्दी के में अन्य किसी राष्ट्रीय नेता की अपेक्षा पंडित मदन मोहन मालवीय के धार्मिक दृष्टिकोण हिंदू उदारतावाद के प्रतीक थे। दूसरे ईश्वर प्रसाद वर्मा ने दूसरी बात की। उन्होंने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय का धर्म हिंदू रूढ़िवादिता का परिचायक है। यह वैचारिक संघर्ष है।
एक ने कहा कि उदार हिंदुत्व, दूसरे कहा कि रूढ़िवादी हिंदुत्व। लेकिन दोनों का तय कैसे होगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय उदार थे या रूढ़िवादी थे? उनकी विचार पद्धति से, उनके क्रियाकलापों से। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, हिंदू शब्द रखा, लेकिन यह हिंदुओं के लिए सिर्फ नहीं है, भारत के सभी जात संप्रदायों के लिए है, पूरी दुनिया के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, पूरी दुनिया के लिए। और उन्होंने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय मेरे राजनीतिक, दार्शनिक और सामाजिक चिंतन का जीता जाता प्रतिरूप है, इसलिए यहां उन्होंने विभिन्न संकायों की स्थापना की, नृत्य कला से आयुर्वेद से लेके अंग्रेजी से लेके उर्दू से लेके रशियन भाषा, अमेरिकन भाषा, सब भाषाओं को लेकर के सारे विषयों का विभाग वहां इन्होंने खोला। या इसका मतलब यह है कि वो सबका सम्मान करते थे। वे रूढ़िवादी कैसे थे? कहने वाले लोग रूढ़िवादी मानते हैं। अगर वो रूढ़िवादी होते तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आईटी की स्थापना कैसे करते? उन्होंने आईटी की स्थापना की। भारत में अगर आईटी की स्थापना अगर कहीं बंगाल कलकत्ता में हुआ होगा, लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में के प्रथम तीन चार आईटीज में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का आईटी था और आज आईआईटी के रूप में है। और स्वतंत्रता के बाद जो राष्ट्र निर्माण का की बयार चली, उसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईटीएंस ने अद्भुत भूमिका का निर्वाह किया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी थे। उनका राष्ट्रवाद तीन तरह के राष्ट्रवाद को का संकेत देता है। एक राष्ट्रवाद उनका संकीर्णता से मुक्त राष्ट्रवाद, दूसरा राष्ट्रवाद उनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, तीसरा राष्ट्रवाद उनका आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। एक तरफ हुए तिलक के राष्ट्रवाद के की तरह दिखते हैं, दूसरी तरफ वे अरविंद के राष्ट्रवाद की तरफ दिखते हैं, तीसरी तरफ वे गांधी के राष्ट्रवाद की तरफ दिखते हैं। अब कौन सा राष्ट्रवाद था? मतलब वास्तव में पंडित मदन मोहन मालवीय शुद्ध रूप से राष्ट्रवादी थे और उन्होंने राष्ट्रवाद के उदार सांस्कृतिक और कल्याणकारी मार्ग को स्वीकार किया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का कहने का मतलब यह है कि भारत की संस्कृति की उच्चता में उनका विश्वास था। उन्होंने भारत की संस्कृति को विश्व की अन्यतम संस्कृतियों की तुलना में उच्च माना, और वह है भी, इसमें कोई बहस की बात नहीं है। आज देख लीजिए नमस्ते करना कैसे वैश्विक हो गया, कल तक हाथ मिलाना वैश्विक था, नमस्ते करना वैश्विक हो गया। अब आप देख लीजिए एकांत में रहना वैश्विक हो गया, तपस्या करते थे हमारे ऋषि एकांत में, अब एकांतवास जरूरी हो गया, जीवन बचाने के लिए जरूरी हो गया। परिवार के बीच रहते थे, क्वारंटाइन ने परिवार की संकल्पना को सुदृढ़ता प्रदान करना शुरू कर दिया, तो सनातन है हमारे। इसलिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने संकीर्णता मुक्त राष्ट्रवाद को प्रश्रय दिया, उसके सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका राष्ट्रवाद अनुभूति है, उनका राष्ट्रवाद धर्म और आस्था के प्रति समर्पित है, उनका राष्ट्रवाद हिंदू मुस्लिम एकता की आवश्यकता को बल देता है। हिंदुस्तान नामक अपने अखबार में उन्होंने लेख लिखा कि भारत देश केवल उन्हीं का देश नहीं है जो दावा करते हैं, भारत जैसे हिंदुओं का प्यारा देश है वैसे ही मुसलमानों का भी प्यारा देश है। यह संकीर्णता से मुक्त राष्ट्रवाद। पंडित मदन मोहन मालवीय ने राष्ट्रवाद के उदार, कुल मिलाकर राष्ट्रवाद के उदार दृष्टिकोण को मुखरित किया। वह बंधुत्व के महान समर्थक थे। उनके राष्ट्रवाद ने उनके उदार मनोवृत्ति को आगे बढ़ाने का काम किया। वे चाहते थे कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हरिजन बंधु बाहरी चक्रों में आकर के अपना, उन्होंने हरिजनों से अनुरोध किया कि हे हरिजन बंधु,
बाहरी चक्रों षड्यंत्रों के चक्कर में पड़कर अपना व्यक्तिगत धर्म न छोड़े। वे हरिजनों का चरण रज लेने को तैयार हैं, यह घोषणा करने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय थे, जिन्होंने अंबेडकर के चरणों में गांधी को बचाने के लिए अपनी पगड़ी रखने का प्रयास किया और जिन्होंने अब साहस से यह घोषणा की कि वो हिंदू धर्म की एकता, हिंदुत्व की एकता के लिए हरिजनों का चरण रज माथे पर लगाने को तैयार हैं। यह समरसता और बंधुत्व का सबसे बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण। अपने जीवन काल में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति थे तो उन्होंने दलित छात्रों को रहने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की। परिवार उनको था, उनको सुपुत्र सुपुत्रियां थी, परिवारवादी थे, ठीक है परिवार था उनका, लेकिन जब तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो कुलपति थे उन्होंने अपने परिवार का भोजन नहीं किया, सीधा मंगवाया। सीधा जानते हैं कि नहीं, सीधा जिसको कहते हैं गांव में सीधा कहते हैं, दूसरे से घर से आने वाला अनाज सीधा कहा जाता है। शिव प्रसाद गुप्त जी के यहां से सीधा आता था, सीधा जिसको कहते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय के यहां, और वह उसी में भोजन ग्रहण करते हैं करते थे। ये त्याग है, मतलब पंडित मदन मोहन मालवीय का राष्ट्रवाद त्याग मूलक राष्ट्रवाद था, साहस मूलक राष्ट्रवाद था। और दूसरा संदर्भ क्या है, उनका राष्ट्रवाद क्रांतिकारी भी था। क्रांतिकारी इस संदर्भ में कि जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई, 1920 के बाद बनारस में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ी। अंग्रेजों के दमन के कारण बंगाल से क्रांतिकारी भाग करके यहां आते थे। बिरला हॉस्टल है हमारे यहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उस हॉस्टल में क्रांतिकारी लोग छिपते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय हिंसा विरोधी होते हुए भी उनको शरण देने के लिए अप्रत्यक्ष मदद करते थे। वे मूर्ति पूजक भी थे। दयानंद ने कहा हम मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। राजा राम ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ठीक। विवेकानंद ने मूर्ति पूजा के लिए काली की आराधना की। तिलक मूर्ति पूजा के संदर्भ में गणेश उत्सव की स्थापना महाराष्ट्र में करते हैं, मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय भी मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। वो उसको रूढ़िवादी नहीं मानते। उनका यह कहना है कि समाज में मूर्ति पूजा एक आवश्यक अंग है। मूर्ति पूजा में व्यक्ति अपने अहंकार, स्वाभिमान और विकृतियों को देवता के चरणों में चढ़ा देता है उतने क्षण जब तक देवता के सामने खड़ा रहता है, मांगने जाता है, याचक होता है। एक पत्थर की मूर्ति के सामने व्यक्ति खड़ा होकर के देवता के सामने, पत्थर की मूर्ति के सामने खड़ा होकर के व्यक्ति याचक की तरह खड़ा रहता है और ईश्वर से, उस मूर्ति से मांगता है कि प्रभु हमको ये दे दो, प्रभु हमको वो दे दो, प्रभु हमको सुख में ले आओ, प्रभु हमारा दुख हरो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। रूढ़वादी कहते हैं कि कहां प्रभु सुनेंगे। मालवीय जी कहते हैं कि प्रभु सुनते हैं क्योंकि वह आपके अंतस्थल में बैठे होते हैं और इसीलिए देवता को मानने वाले आस्थावान व्यक्तियों को का कष्ट भी हर जाता है, कष्ट खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है और वह उसे खुशी लेता है। इसलिए वो मूर्ति पूजा के समर्थक थे। पंडित मदन मोहन मालवीय गोपाल कृष्ण गोखले की तरह ब्रिटिश शासन की उदारता के समर्थक थे। गोखले ने क्या कहा कि अंग्रेजों का शासन भारत में दैवी कारक के कारण हुआ है, एक दैवी कारक है अंग्रेजों का शासन भारत में। उन्होंने कहा कि हमको जो है अंग्रेजों से स्वामी सेवक संबंध के आधार पर काम करना चाहिए, लेकिन इस स्वामी सेवक संबंध में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए। इसलिए गोखले ने अंग्रेजों के सामने
आवेदन प्रणाली को स्वीकृति दी। मतलब हम जाके आवेदन करें अपने अंग्रेजों के सामने कि साहब हमको ये दे दीजिए, साहब हमारा ये संकट है, साहब हमको अकाल में ग्रस्त हैं, हमारा लगान माफ कर दीजिए, इत्यादि इत्यादि जो आज चलता है। तिलक ने कहा कि हम आवेदन प्रणाली को नहीं मानते, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार स्वतंत्रता है, हम आवेदन सावेदन नहीं, हम इसको लेकर रहेंगे, हम आवेदन अपना लेंगे देंगे। सावरकर ने कहा कि कैसा आवेदन, कौन सा आवेदन, कहां का आवेदन, किससे आवेदन, भारत हमारी भूमि है, पितृभूमि है, पुण्य भूमि है, संस्कार भूमि है, मातृभूमि है, हम आवेदन मातृभूमि को हरण करने वाले उन शासकों से नहीं करेंगे। लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय ने ब्रिटिशों के प्रति श्रद्धा की सम्मान का भाव दिखा, लेकिन वह गोखले की तरह आवेदन प्रणाली को उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कानूनी संवैधानिक प्रणाली को माना। पंडित मदन मोहन मालवीय के समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उदारवाद और उग्रवाद का संधि बेला था, उदारवाद भी चल रहा था, उग्रवाद भी चल रहा था, क्रांतिकारी भी लड़ रहे थे, उदारवादी कांग्रेस के उदारवादी नेता भी लड़ रहे थे, यह संधि बेला था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने उदारवाद और उग्रवाद के इस नदी के दो पाटों में पुल का काम करने का काम किया। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए उदारवाद भी जरूरी है, देश की स्वतंत्रता के लिए उग्रवाद को हम इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति उदारतापूर्ण दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप गांधी जी के असहयोग आंदोलन की भावना को से सहमत हुए, लेकिन उसमें भाग नहीं लिया। देखिए महत्वपूर्ण बात क्या हुआ, वे उदारवादी थे और गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उन्होंने समर्थन दिया, लेकिन गुस्सा इतना था कि उसमें भाग नहीं लिया। यह है संधि बेला। इस संधि बेला में असहयोग आंदोलन भी चले, हम भाग भी न लें, हम असहयोग के प्रति बहुत अधिक सक्रिय न रहें, यह भाव पंडित मदन मोहन मालवीय में था। पंडित मदन मोहन मालवीय गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, यद्यपि मालवीय जी पंजाब की दुर्घटना के संबंध में उनसे पूरी तरह सहमत थे, किंतु उन्होंने धारा सभा के बहिष्कार का तनिक भी समर्थन नहीं किया। कांग्रेस में धारा सभा बनी थी, उसका समर्थन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने उसके विरुद्ध विचारों को कड़े रूप में कांग्रेस में अभिव्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उदारता का अर्थ राष्ट्रीय भावना तथा राष्ट्रीय प्रेम का अभाव नहीं है। क्या कहा उन्होंने, देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, उदारता का मतलब यह नहीं कि राष्ट्रीय प्रेम का अभाव हो, उदारता का मतलब नहीं कि राष्ट्रीय सम्मान का अभाव हो, उदारता का मतलब यह नहीं है कि उदारता में राष्ट्र को दरकिनार कर दिया जाए। वर्तमान समय में उदारवादी राष्ट्रवादी राष्ट्र को ही दरकिनार कर देते हैं, राष्ट्र प्रेम भी उदारता में जरूरी है। उन्होंने कहा कि अति उदार होने के कारण हम राष्ट्र प्रेम से च्युत हो जा रहे हैं, हमें राष्ट्र प्रेम चाहिए और राष्ट्र प्रेम पर आधारित, राष्ट्रीय सम्मान पर आधारित उदारता के हम समर्थक हैं। इस आधार पर पंडित मदन मोहन मालवीय उग्रवाद के नजदीक जाते दिखाई पड़ते हैं। यह पंडित मदन मोहन मालवीय का व्यक्तित्व था। उन्होंने अंग्रेजों को सिखाने का काम किया। अंग्रेज सीखने को कहाँ तैयार थे, भारतीय विचार पद्धति को तो वो कहते थे कि ये मूर्खों की पद्धति है। 1830 में किताब आई जिसमें सीएन बसु ने लिखा कि भारत उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का प्रतीक रहा है, डेमोक्रेसी इन एंशिएंट इंडिया। मोनार्की जो था उसने कहा डेमोक्रेसी इन एंशिएंट इंडिया, और ब्रिटिश डेमोक्रेसी मातृभूमि से आए हुए थे। बसु ने कहा कि तुम हमसे डेमोक्रेसी सीखो, तुम्हारी डेमोक्रेसी कहीं थोड़ी कमी है उसमें, और उस पर किताब लिखी। मालवीय जी भी डेमोक्रेटिक थे, लोकतांत्रिक थे मालवीय जी, और उस लोकतांत्रिककरण को उन्होंने उदारवादी लोकतंत्र को उन्होंने अपने सिद्धांत में सम्मिलित करने का काम किया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्वदेशी की भावना को जन्म दिया। स्वदेशी क्या था,
विदेशी क्या है? स्वदेशी का मतलब हमारा कुटीर उद्योग, स्वदेशी का मतलब जो हमारे देश में बना हुआ माल है उसको हम खरीदें, उसी को हम बेचें, विदेशी माल के में अपने अपने देश के धन को खर्च न करें। उन्होंने इसे खादी आंदोलन का समर्थन किया। उनका विश्वास था कि स्वदेशी के कारण हम राष्ट्र के गरीब मजदूरों और श्रमिकों को 2 जून की रोटी मुहैया कराते हैं। यह बहुत बड़ा संदर्भ आर्थिक है इसका मतलब। अगर हम स्वदेशी सामान खरीदते हैं तो लाभान्वित ब्रिटिश नहीं होते, लाभान्वित उस स्वदेश के स्वदेशी वस्तुओं को बनाने वाला मजदूर किसान होता है और हम ही से उसका पेट पलता है, हमारा ही वो पेट पालता है। और पेट पलने और पेट पालने में अन्योन्याश्रित संबंध होना चाहिए, यह पंडित मदन मोहन मालवीय का अपना विचार था। पंडित मदन मोहन मालवीय के राजनीतिक चिंतन में आर्थिक भी विचार महत्वपूर्ण होते हैं। उनका स्वदेशी सिर्फ भावनात्मक नहीं था, उन्होंने औद्योगिकता का भी समर्थन किया। उन्होंने एक बहुत लंबा भाषण औद्योगिक भारत के औद्योगिकरण पर किया, वह प्रसिद्ध है। उनका आर्थिक चिंतन प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर है, प्रतीचि का और प्राची का मेल सुंदर है। वे विकास भी चाहते थे, वे विज्ञान भी चाहते थे, वे ज्ञान भी चाहते थे, वे धर्म भी चाहते थे, वे राष्ट्र के प्रति प्रेम भी चाहते थे, वे व्यक्तित्व के व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के विभिन्न अवयव चाहते थे। मतलब वो पूर्णता में भारत को देखना चाहते थे। आज उनकी यह पूर्णता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन के आसपास आता है। मुझे लगता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिस एकात्म मानव दर्शन को आगे बढ़ाया उस पर पंडित मदन मोहन मालवीय के उदारवादी विचार चिंतन का प्रभाव है। मालवीय जी का विदेशी एक भाव विचार भावुक विचार नहीं था बल्कि एक धार्मिक प्रेरणा थी। वे विदेशी को अपने धर्म के खिलाफ मानते थे। उनका स्वदेशी ही एक धर्म है और वो धर्म ये है कि हमारा जब सब कुछ स्वदेशी है तो हम स्वदेशी को ही माने और स्वदेशी को आगे बढ़ाने का काम करें। हमने पंडित मदन मोहन मालवीय को लोकतांत्रिक रूप में देखने का प्रयास किया। उसका उदाहरण यह है कि उन्होंने संवैधानिक आदर्शों के साथ राष्ट्र के निर्माण का प्रश्न उठाया। जब संवैधानिक उपायों से आदर्शों से राष्ट्र का निर्माण होगा तो वो राष्ट्र नाजीवादी तो हो नहीं सकता, वो राष्ट्र फासीवादी भी नहीं हो सकता, वह राष्ट्र लोकतांत्रिक होगा। उन्होंने संवैधानिक आधारों पर, इसका मतलब ये हुआ कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने नागरिकों की स्वतंत्रता तो प्रिय थी लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता के अर्जन के लिए निमित्त साधनों की आवश्यकता को अनुभव, वह बल शक्ति के आधार पर नहीं बल्कि मनुहार पर आवश्यकता है, विचार विमर्श पर आवश्यकता। इस प्रकार पंडित मदन मोहन मालवीय के राजनीतिक चिंतन में आपने देखा कि उनका दर्शन उदारवादी था। वे संकीर्णता मुक्त राष्ट्रवाद के समर्थक थे। वे स्वदेशी की भावना को आगे बढ़ाना चाहते थे, राज्य से बड़ा व्यक्ति माना, समूह को माना। वे उग्रवाद और उदारवाद की संधि बेला के पुल हैं। उन्होंने सहृदयता और सद्भाव की बात की, दलितोद्धार की बात करके उन्होंने सबसे बड़ी बात दलितों को हिंदू समाज से अलग होने के हर षड्यंत्रों का विरोध किया। ये कुल मिलाकर के अगर पंडित मदन मोहन मालवीय के राजनीतिक चिंतन को आंका जाए तो उनका राजनीतिक चिंतन पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक चिंतन से पूर्णतया भिन्न है। भारत की खोज का आप अध्ययन करें और पंडित मदन मोहन मालवीय के विभिन्न लेखों का, अभ्युदय में हिंदुस्तान में छपे लेखों का अध्ययन करें तो दोनों में कंट्राडिक्शन दिखाई पड़ेगा। लेकिन नेहरू से उनका विरोध नहीं था, नेहरू को विचार का उग्र विरोध नहीं करते थे और नेहरू से टकराव भी नहीं चाहते थे, उनकी अलग धारा थी। कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस के कई 4 बार 3 बार अध्यक्ष रहे, उनकी कांग्रेस के भीतर ही अलग धारा थी।
वह धारा नेहरूवादी नहीं थी, वह मालवीयवादी धारा थी, और वह मालवीयवादी धारा कांग्रेस के भीतर हिंदू महासभा को भी आगे बढ़ाने का काम करती थी। उन्होंने हिंदू महासभा में अब के कार्यकर्ता के रूप में अपने को स्वीकार किया, हिंदू महासभा के विभिन्न सभाओं का सभापतित्व किया, डंके की चोट पर किया, और उनको हिंदू कहने में गर्व की अनुभूति होती थी। वो हिंदू कहने में किसी प्रकार की आलोचना से डरते नहीं थे। पंडित मदन मोहन मालवीय के राजनीतिक चिंतन का मूल मंत्र स्वतंत्रता का के प्रति समर्पण है। स्वतंत्रता का समर्पण उन्होंने इतिहास दर्शन के आधार से ग्रहण किया। उनका इतिहास दर्शन नियतिवाद और कर्मवाद का प्रभाव के आधार पर आधारित है। वे गीता के कर्मवाद को स्वीकार करते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने अरविंद की भांति हिंदू संस्कृति के श्रेष्ठता को स्वीकार किया। वे राष्ट्रवाद की ऐसी धारणा को स्वीकार करते थे जो हिंदू धर्म की आधारभूत नैतिक सिद्धांतों के प्रतिकूल न हो। तिलक की बात पंडित मदन मोहन मालवीय ने व्यापक राजनीतिक हलचल को अपने को स्वीकार किया और उन्होंने युद्ध के उपरांत अयोध्या भारत में हो रही हलचलों को स्वीकार करते हुए इस देश की सरकारों का ब्रिटिश सरकारों से निवेदन किया कि उनका हित इस बात में है कि वह समझ लें कि समाज बदल गया है, जनता जागृत हो चुकी है, जनता के हितों को दरकरार करके वह भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सकती। पंडित मदन मोहन मालवीय ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की एक व्यापक धारणा को आगे बढ़ाया। उनका कहना था कि देश के नैतिक, बौद्धिक और आर्थिक साधनों के परिवर्तन के लिए राजनीतिक सुधारों का आंदोलन होना चाहिए। मतलब वे सामाजिक सुधार भी चाहते थे, राजनीतिक सुधार भी चाहते थे, उसमें परिवर्धन संशोधन चाहते थे। लोक सेवा और लोक कल्याण के माध्यम से उन्होंने राजनीतिक दर्शन और पुनरुद्धार की बात की। पंडित मदन मोहन मालवीय ने, हमने जैसे पहले बताया, कि ईश्वर की सर्वव्यापकता के विश्वास को इस आधार पर ग्रहण किया कि ईश्वर की सर्वव्यापकता के बिना भारत के संदर्भ में राष्ट्रवाद या राजनीति की सर्वव्यापकता नहीं हो सकती। इसलिए पंडित मदन मोहन मालवीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत को मानते थे। 1918 को दिल्ली कांग्रेस में उन्होंने अध्यक्षीय भाषण में यह आशा व्यक्त की कि आत्मनिर्णय के सिद्धांत का भारत में लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें जानकर प्रसन्नता है कि इंग्लैंड और फ्रांस की सरकारों ने सीरिया तथा मेसोपोटामिया के संबंध में इन सिद्धांतों को लागू करना स्वीकार किया है। हमें आशा है कि ब्रिटिश सरकार भारत में भी आत्मनिर्णय के सिद्धांत को मानेगी। विश्वनाथ प्रताप वर्मा मानते हैं, अपने आधुनिक भारतीय चिंतन के इतिहास में लिखते हैं कि मालवीय जी लोकतांत्रिकवादी नहीं थे। अगर वो लोकतांत्रवादी होते तो लोकतंत्र की बात करते, उन्होंने लोकतंत्र की कहीं बात नहीं की। लेकिन कांग्रेस के विभिन्न भाषणों में पंडित मदन मोहन मालवीय के हम विश्वनाथ प्रताप वर्मा की बात का खंडन नहीं करते। उनका लोकतंत्रवाद वाद का मतलब ये था कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्रांतिकारी हिंसात्मक आंदोलन का भी अप्रत्यक्ष समर्थन किया, इसलिए वो लोकतांत्रिक नहीं थे। और मैंने आपसे कहा कि उग्रवाद उदारवाद के प्रमुख संधि के रूप में थे, लेकिन वो लोकतांत्रिक थे क्योंकि उन्होंने व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने की बात की, और जो व्यक्ति को प्रतिष्ठित करे वह लोकतांत्रिक ही होगा। पंडित मदन मोहन मालवीय का जो राष्ट्र स्वतंत्रता का महान लक्ष्य था, वह लक्ष्य यह था कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत मिले और भारत के लोगों को अपने भाग्य का निर्णय करने का अधिकार मिले। इसलिए पंडित मदन मोहन मालवीय की स्वतंत्रता, समानता और न्याय के समर्थन में अपने विचारों को व्यक्त किया। उन्होंने स्वतंत्रता, भारत के लोगों के लिए स्वतंत्रता चाहिए। उन्होंने भारत के लोगों की समता की बात की। उन्होंने भारत के लोगों के लिए ममता की बात की। उन्होंने भारत के लोगों के लिए न्याय की बात की। उनकी व्याख्याएं इसके समर्थन में न केवल उन्होंने व्यवहार किया, बल्कि इसके समर्थन में उन्होंने मौखिक व्याख्याओं तक अपने को सीमित न रह करके उन्होंने व्यवहारिक जीवन में उसका अनुपालन किया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने यह दिखाया कि उनका द्वार हर दुखी के लिए खुला है। यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि मेरा द्वार दरवाजे पर ताला नहीं बंद होगा, मेरे दरवाजे से स्वतंत्रता, समानता और कल्याण की हब बयार बहती रहनी चाहिए।
इसलिए उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता था। कोई भी दीन, कोई भी दुखी, कोई भी संतप्त व्यक्ति उनके दरवाजे पर आकर के उनसे कल्याण की बात कर सकता था। पंडित मदन मोहन मालवीय का यह भाव दुखी व्यक्ति, संतप्त व्यक्ति या दुखी व्यक्ति के संतप्त हरने का भाव पंडित मदन मोहन मालवीय के राजनीतिक चिंतन का मूलाधार था। पंडित मदन मोहन मालवीय का जो प्रमुख योगदान था वह राष्ट्रवाद का सिद्धांत, जिसे हम राष्ट्रवाद का सिद्धांत मानते थे, वह राष्ट्रवाद का सिद्धांत का आधार ही यह था कि दुखी, दुख से संतप्त मानवता को त्राण देना, उससे मुक्त करना। उन्होंने स्टाइन, हार्डेनबुर्ग, गेटे और फिक्टे की भांति सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी समर्थन किया। उन्होंने स्टाइन और हार्डेनबुर्ग के राष्ट्रवाद के रूप में जिस संस्कृति की बात हार्डेनबुर्ग करता है, पंडित मदन मोहन मालवीय का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उसके नज़दीक जा करके जाता था। उनके मन में सांस्कृतिक भारत की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ ही भारत की जान है, प्राण है। मतलब पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर भारत अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों को चुप कर दे, भुला जाए, तो भारत गुलाम रहेगा। यही तुलसी ने कहा, यही कबीर ने कहा, यही कीनाराम ने कहा, यही अरविंद ने कहा, यही सावरकर ने कहा, यही तिलक ने कहा कि अगर हम अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों पर गर्व नहीं कर सकते तो एक राष्ट्र के नागरिक होने पर कैसे गर्व करेंगे। राष्ट्र के नागरिक होने पर हम कैसे गर्व कर सकते हैं। राष्ट्र का नागरिक हमारा भारत का व्यक्ति सांस्कृतिक व्यक्ति है। वह मेले, त्योहारों, संगीत, कला, विज्ञान सब में भाग लेता है, सब कुछ गुनता है, चुनता है, उसमें भाग लेता है। वह सिर्फ अकेला राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, उसके लिए राजनीति सब कुछ नहीं है, उसके लिए संस्कृति भी सब कुछ मिलती है। और संस्कृति कल्चर नहीं है, कल्ट से नहीं बना संस्कृति, संस्कार से बना, भारत का अपना संस्कार है। मैं यह मानता हूं कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी राम में अति आस्था रखते थे, इसलिए काशी में वो प्रतिदिन हनुमान दर्शन करते थे। जो हनुमान का दर्शन करे वो राम का भक्त होगा। मैं मानता हूं कि राम का जीवन आदर्श, राम का जीवन पद्धति भारत की जीवन पद्धति है। उसी में व्यष्टि और व्यक्ति की का कल्याण निहित है, उसी में विश्व का कल्याण निहित है। जिस प्रकार प्रकृति के साथ मनुष्य का संघर्ष न हो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसे सिद्धांतों का मालवीय जी विरोध करते थे। यह तो अराजकता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बड़ी मछली छोटी मछली खा जाए, पूंजीपति निर्धन को खा जाए, बलवान कमजोर को खा जाए, सब सबको खा ही जाए तो बचेगा क्या। बलवान भी हो सब और निर्बल भी हो, निर्बल बलवान बने, बलवान और बलवान बने, बलवान और निर्बल की सीढ़ियां चढ़ती रहें, दोनों में सामंजस्य हो। मतलब प्रकृति और व्यक्ति के मध्य सामंजस्य होना ही पंडित मदन मोहन मालवीय के राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण अंग था। इसलिए उन्होंने चीटी को भी देवता माना और व्यक्ति को भी देवता माना। उन्होंने जीव हिंसा करने का विरोध किया। वे पर्यावरण की शुचिता और पर्यावरण की परंपरा के समर्थक थे और उन्होंने अपने सिद्धांतों के माध्यम से पर्यावरण को आगे बढ़ाने का काम था। पंडित मदन मोहन मालवीय सनातनी, आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, सिख, बौद्ध और जैन सभी धर्मों को अपने धर्म में सम्मिलित करने का काम किया। यही कारण है कि उनके लिए कृत्रिमता जैसा शब्द उनके लिए नहीं है, वो एक कृत्रिम राष्ट्रवाद, कृत्रिम राज्य, कृत्रिम व्यक्तित्व, कृत्रिम सिद्धांत, दोहरा सिद्धांत के या खिचड़ी सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं थे। वे उनका सिद्धांत एक तरफा सिद्धांत था, क्लिष्ट सम सिद्धांत था, साफ साफ सिद्धांत था। उनको कोई गाली भी देता था तो स्वीकार करते थे, उसका जवाब देते थे। और युवाओं को सीखना चाहिए कि गाली देने से हिंसा का भाव नहीं पड़ना चाहिए, गाली देने से पूर्ण रूप से उसका जवाब दिया जाना चाहिए। इस प्रकार पंडित मदन मोहन मालवीय का राजनीतिक दृष्टिक धार्मिक भावना, पौराणिक भावना, औपनिषदिक भावना, वैदिक भावना, भारत की सनातन परंपरा के अनुकूल था। और उन्होंने संगठित सुदृढ़ भारत के लिए न केवल स्वदेशी विचार को आगे बढ़ाया, बल्कि ऐसे राष्ट्रवाद को जन्म दिया जो राष्ट्रवाद भारत को
औद्योगिक क्रांति का भी प्रतीक बना सकता था, जो राष्ट्रवाद भारत को नैतिक क्रांति का भी प्रतीक बना सकता था, जो राष्ट्रवाद भारत को आध्यात्मिक शक्ति का भी नेतृत्व दे सकता था, जो राष्ट्र दुनिया को भारत को ऐसा नेतृत्व प्रदान करने की शक्ति देता जिसमें दुनिया का बौद्धिक सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक विकास संभव हो सके। तो मैंने पंडित मदन मोहन मालवीय के राजनीतिक चिंतन के मूल स्वरूपों को आपको बताने का प्रयास किया। यद्यपि ये सिद्धांत अभी बहुत व्याख्यायित नहीं हुए हैं, बहुत काम हम इसी को पढ़ते रहे हैं, इसको व्याख्या करने की ज़रूरत है, लेकिन जितना हमने आपको पंडित मदन मोहन मालवीय के राजनीतिक चिंतन के बारे में बताया वो सफिशियंट है, वो पर्याप्त है। इस आधार पर आप पंडित मदन मोहन मालवीय जी को समझ सकते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय को जी सकते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय में रम सकते हैं, उनको गुन सकते हैं। उनका मूल मंत्र यह था कि राष्ट्र का सर्वोत्कृष्ट विकास हो, और राष्ट्र का सर्वोत्कृष्ट विकास विखंडनवादी हिंतावादी विद्वेषवादी और अछूतवादी प्रवृत्तियों से न हो। बहुत बहुत धन्यवाद।